हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लॉजिकल ऑपरेशंस की। तो लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है कि कोई भी एक ट्रूथ वैल्यू है उसके बारे में और आपको उसमें रिलेशन बताता है। जैसे तीन लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, एक होता है एंड, फिर और नॉट। तीन लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो एंड क्या हुआ और क्या हुआ? नॉट क्या हुआ, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे एंड का मतलब क्या होता है कि कैसे। अगर मान लिया आपने लिखा है ए ए, एंड बी, तो ए और बी दोनों सही होना चाहिए तो उसका फाइनल वैल्यू सही होगा, ठीक है। इस तरह और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी सही होगा तो चलेगा, ठीक है। और नॉट क्या होता है कि जो भी वैल्यू है उसका ऑपोजिट, वो उसका नॉट हुआ। ये तीन लॉजिकल ऑपरेशन ऑपरेशन है, है ये। काफ़ी सिंपल है और काफ़ी यूजफुल होता है। तो अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं, मान लीजिए प्रिंट वन लेस देन टू एंड वन लेस देन फाइव, तो हम क्या कह रहे हैं कि वन लेस देन टू है एंड वन लेस देन फाइव, तो ये दोनों बात सही है। तो जब दोनों बात सही होगा तो उसका एंड करेंगे तो वो भी सही होगा। तो एंड का मतलब वही हुआ कि दोनों साइड के ऑपरेशन ट्रू होने चाहिए, तब उसका आंसर होगा ट्रू, नहीं तो उसका आंसर होगा फॉल्स। मतलब अगर एक तरफ भी गलत हुआ तो उसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ करते हैं 4 less than 2 एंड 1 less than 5, तो ये गलत होना चाहिए क्योंकि 4 less than 2 फॉल्स है और 1 less than 5 ट्रू है। लेकिन एंड करने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ सही होना चाहिए, तभी वो फाइनल रिजल्ट सही होगा। ओके, इस प्रोग्राम को रन करेंगे और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। रन किया तो पहला का आंसर होना चाहिए ट्रू और दूसरा का होना चाहिए फॉल्स, वही आया देखिए देखिए। एसटीडी आउट में पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। दूसरा फॉल्स क्यों है? क्योंकि 4 less than 2 तो फॉल्स है। ओके, मतलब तो ये हो गया एंड ऑपरेशन। दोनों तरफ सही होना चाहिए। उसी तरह और जो होता है ओ आर और के बारे में देखते हैं। और का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी सही होगा तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ट्रू हो या राइट साइड ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, तीनों केस में वो फाइनल रिजल्ट ट्रू ट्रू होगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो गया तो और का रिजल्ट फॉल्स होगा। ओके तो अभी देखिए इसका देखेंगे रन करके सेम प्रोग्राम को। तो इस और लगा दिया एंड के बदले, तो ये दोनों रिजल्ट ट्रू आना चाहिए क्योंकि एक पार्ट तो ट्रू है ही। ओके, तो देखते हैं इसको। आई डी वन इन पर क्लिक कर दिया, रन कर रहे हैं, देखिए है ट्रू और ट्रू दोनों आंसर आंसर। ट्रू आ गया, ठीक है। इसका एक फॉल्स वाला एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए लिख देते हैं 8 less than 5, 8 less than 5 फॉल्स है, 4 less than 2 भी फॉल्स है। तो फॉल्स और फॉल्स का और जब करते हैं तो फॉल्स आता है। तो इसको रन करेंगे प्रोग्राम को। देखिए आई डी वन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए पहला आया ट्रू और दूसरा आया फॉल्स। दूसरा फॉल्स क्यों है? क्योंकि 4 less than 2 फॉल्स है और 8 less than 5 भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स मतलब फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो गया। ओके, ये हो गया एंड और का ऑपरेशन। अब नॉट क्या होता है देखते हैं। नॉट का मतलब क्या होता है? कोई भी रिजल्ट आया, एक बुलियन रिजल्ट, उसका ऑपोजिट, नॉट ऑफ 1 less than 2। तो 1 less than 2 जो है ये एक बुलियन रिजल्ट देगा, बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो उसका नॉट कर दिया, तो 1 less than 2 क्या है? ट्रू है। तो नॉट ऑफ ट्रू क्या होगा? फॉल्स। तो ये प्रिंट करना चाहिए फॉल्स। एंड और नॉट जो तीनों है लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं, ये बूलियन पे काम करते हैं। बूलियन मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, और उसमें रिलेशन बताता है एंड और ये दोनों रिलेशन बताता है। नॉट क्या करता है? उसके रिजल्ट को उल्टा कर देता है, ऑपोजिट। तो इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स। ओके, देखते हैं। आई डी वन इन पर क्लिक कर दिए, रन हो रहा है, देखिए आंसर आ गया फॉल्स। ओके उसी तरह अगर लिख दे 1 greater than 2, तो 1 greater than 2 तो गलत है, फॉल्स है। तो नॉट ऑफ फॉल्स क्या होता है? ट्रू। ओके, इसको फिर से प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है।
आईडी वन पर क्लिक कर दिए, सक्सेस, रिजल्ट आ गया ट्रू। ओके तो ये हो गया एंड और नॉट का बेसिक ऑपरेशन। ये बहुत यूजफुल है स्पेशली जब कंडीशनल होते हैं, जो इफ एल्स वगैरह उनके साथ बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उसके ये तीनों के लिए जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, इन इन एंड और को यूज़ करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, उसको तो डिमांड के हिसाब से कि अगर प्रोग्राम में ज़रूरत कैसा आपको। ओके अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो नीचे कॉमेंट में लिखिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।